असलम स्टूडेंट्स टूडे इन बेयलॉजी क्लास वी आर गोइंग टू डू आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कैरियर इन बेयोलॉजी वट इज़ दिस मीन इट मीन्स दैट कि अगर आप नाइन्ेंथ में या एफ एस सी में बायोलॉजी पढ़ते हैं तो नेक्स्ट इन फ्यूचर वट प्रोफेशन यू कैन अडोप्ट कि आप अपना प्रोफेशन किस चीज़ को बना सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं देर आर लॉट मोर प्रोफेशंस दैन दिस इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं बट मोस्ट बेसिक वन उन्होंने आपको यहाँ पे दे दिए दे हैं फर्स्ट मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट कंसर्नड कैरियर इज मेडिसन एंड सर्जरी मेडिसन क्या है जिसे आप सिंपल Uh, आम जुबान में कहते हैं एम बी बी एस करना ठीक है मेडिसिन एंड सर्जरी मेडिसिन हम किसे कहते हैं द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन ठीक है कि लाइक like आप डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर क्या करता है आपको डायग्नोस करता है कि क्या आपको बीमारी है और उसकी मेडिसिन आपको प्रिस्क्रिप्शन की फॉर्म में दे देता है कि आपने ये मेडिसिन खानी है तो ये हो गया मेडिसिन सर्जरी में क्या होता है फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन हैव अ किडनी स्टोन ठीक है और वो डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर कहते हैं इसका uh, ट्रीटमेंट ये है कि आपकी किडनीज़ को ओपन करके वहाँ से स्टोन्स को निकालें और रिमूव करें जिसमें बॉडी में कट्स लगते हैं ब्रूसेस को यूज कर रहे होते हैं ठीक है तो ये हमारे पास क्या है जिसमें बॉडी पार्ट्स बॉडी पार्ट्स को हम रिपेयर कर रहे होते हैं रिप्लेस कर रहे होते हैं या रिमूव कर रहे होते हैं ठीक है जिसमें एक एग्जाम्पल उन्होंने रीनल सर्जरी की दे दी लाइक हम किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं या लीवर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो ये क्या है सर्जन जिसे एक एक फिजिशियन जो एक आम सिंपल डॉक्टर होता है जिसे आप फिजिशियन बोलते हैं सेकेंड वन इज़ अ सर्जन फिजिशियन बनने के बाद लाइक बेसिक डिग्री एम लेने के बाद आप स्पेशलाइज जो करते हो जिस चीज़ में करते हो फिर अगर आप सर्जरी में स्पेशलाइज़ कर रहे हो तो देन यू बिकम अ सर्जन सो नेक्स्ट वन इज़ अ फिशरीज़ फिशरीज़ क्या है हमारे पास दैट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ़ द फ़िश यानी फ़िश प्रोडक्शन है पाकिस्तान में जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो जहाँ पर फ़िशरीज़ जिन लोगों ने फिशरीज़ पढ़ा होता है वहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मार्केट्स में जितनी मछलियाँ आ रही होती हैं जो कि हम कंज्यूम कर रहे होते हैं खा रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी फ़िश फॉर्म से आ रही होती हैं फ़िश फॉर्म में उन्होंने जिस पर्सन ने फिशरीज़ पढ़ा हुआ है जिसमें डिग्री ली हुई है उसको एम्प्लॉय करते हैं एम्प्लॉय करने का पर्पज़ क्या है कि फ़िश की प्रोडक्शन हम कैसे करें Uh, कौन सी मछलियाँ जो है वो uh, उनका रिप्रोडक्टिव रेट क्या है उनकी कॉस्ट हमें क्या उन्हें देना क्या पड़ेगा खाने में क्या देना पड़ेगा अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा तो ये सारी चीज़ें कब ले सकते हैं दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और द मास्टर और द स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड द फ़िशरीज ठीक है या तो पर्सन ने जोलॉजी किया हो बी एस जोलॉजी किया हो या फिशरीज़ किया हो तो उसके बाद आप ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर क्या है दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड लाइक वो फसलें और वो जानवर जो कि हम एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ कर रहे होते हैं अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एग्रीकल्चर में आती हैं एग्रीकल्चरस्ट जो है वो वर्क करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ़ द क्रॉप्स लाइक हमें गंदुम चावल तो हमारी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है ठीक है हमारी बेसिक कंपोनेंट है फूड का अब इसके बगैर हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता सो so, ये पर्सन क्या करेगा एग्रीकल्चरिस्ट ये बताएगा कि हम अपनी वीट की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करा सकते हैं हम अपने चावल ज़्यादा अच्छे कैसे बना सकते हैं हम ए, एक थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे पास जो है वो कैसे हो सकती है या सेकेंडली हमारे पास जो ये या बैफलोस हैं हम एक ही गाय है उससे हम ज़्यादा दूध कैसे ले सकते हैं तो ये कौन बताएगा ये एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो बताएगा नेक्स्ट वी हैव एनिमल हजबेंड्री एनिमल हस्बेंड्री में क्या है दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर ठीक है ये किसकी ब्रांच है एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है लेकिन ये स्पेसिफ़िक हो गई है विद द डोमेस्टिक एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं लाइक कैटल शीप जो कि हम घरों में रेज uh, कर रहे होते हैं ठीक है जिन्हें हम पेट एनिमल्स का नाम भी दे रहे होते हैं द प्रोफेशनल कोर्सेज़ इन एनिमल हजबेंड्री कैन भी अडोप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी यानी अगर आपने एफ में बायो पढ़ी हुई है तो उसके आगे नेक्स्ट जो है वो आप एनिमल हस्बेंड्री का प्रोफेशन अडोप्ट कर सकते हैं आप इस चीज़ में डिग्री ले सकते हैं नेक्स्ट वी हैव द हॉर्टिकल्चर हॉटीकल्चर क्या है दैट इज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग ठीक है अब ये जो हमारे पास बड़े बड़े से गार्डन्स बन जाते हैं अब फ्लावर्स की इतनी टाइप्स हैं कौन सा फ़्लावर गर्मियों के अंदर जो है वो आ, उसका ब्लॉसम पीरियड आ रहा है कौन से सर्दियों में है किसको किस टाइम पानी देना है आ, उनके इवन वी डोंट इवन नो द नेम्स एग्जैक्ट नेम्स हमें जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो नहीं आते हमें जस्ट नेटिव नेम्स हैं वो भी बहुत कम आ, प्लांट्स के आते हैं तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चरिस्ट हौर्ट, क्या कर रहा होता है जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनकी न्यू वैराइटीज़ हम कैसे बना सकते हैं लाइक like, uh, रोज है ठीक है बेसिक कलर्स रेड कलर में तो मिलता है लेकिन बाकी कलर्स में कैसे लेके आ सकते हैं ये किसका काम होगा हॉर्टिकल्चरस्ट का नेक्स्ट है फार्मिंग फार्मिंग क्या है फार्मिंग में सिंपली है दैट इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ टाइप्स ऑफ फार्म हमारे पास फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं लाइक like, आपने पोल्ट्री फॉर्म सुना हुआ है आपके पास uh, डेरी uh, फॉर्म है आपके पास फ्रूट फॉर्म्स हैं तो ये सारे के सारे form, एक फॉम में हम ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रूट फॉम है हम फ्रूट कैसे ले सकते हैं वहाँ पे फ्रूट कैसे उगा सकते हैं हमें ए, एक एक फॉर्म में हमारे पास जो फ्रूट है वो कम से कम ख़राब हो और ज़्यादा से ज़्यादा यल्ड की प्रोडक्शन कैसे हो सकती है ये सारा का सारा हमारे पास आ जाता है फॉर्मिंग में और ये भी कैसे हम ले सकते हैं अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है या एफ में बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप प्रोफेशनल डिग्री ले सकते हो एग्रीकल्चर में अगर आपने एग्रीकल्चर में ली हुई है एनिमल हजबेंड्री में ली हुई है या फार्मिंग में ली हुई है या फिशरीज़ में भी ली हुई है अगर इन सब में ली हुई है सब में नहीं सॉरी किसी एक में ली हुई है क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री एक में होगी तो आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वी हैव फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री जो है वो हमारे पास क्या है प्रोफेशनल लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइज़ द गवमेंट फॉर द प्लांटिंग एंड द ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ठीक है कि हमारे पास जो है वो फॉरेस्ट रेट हमारे पास कितने फॉरेस्ट जो हैं वो बच चुके हैं या अभी तक जो हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए आ, साल में कितने दरख़्त जो हैं वो काटे जा रहे हैं उसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं हमारे इन्वामेंट पर हमें कौन कौन से दरख्त कहाँ लगाने चाहिए आ, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बता रहा है वो पर्सन जिसने प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है फॉरेस्ट्री में ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेटेस्ट uh, प्रोफेशन दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है जिसमें हम क्या कर रहे हैं आपने डेफिनेशन में देखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर यूजफुल फॉर द मैन ठीक है हमने ऐसी प्रोडक्ट्स बनानी है जो कि इंसानों के फायदे के लिए ज़रूरी हैं अब यूनिवर्सिटीज़ में हम क्या करते हैं स्पेशल बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है प्रोफेशनल डिग्री है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में आप लेते हो फोर इयर्स प्रोग्राम में और उसके बाद आप जो है वो किसी भी जगह पे एज अ एम्प्लॉय यू कैन वर्क देयर होप यू आर ऑल क्लियर ठीक है दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन वॉज अ ब्रांचिज ब्रांचेज के बाद सेकेंड इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेज ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है एंड द थर्ड वन जो है वो हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ठीक है सो यू हैव टू लर्न इट डू इट्स प्रैक्टिस ओके क्लास थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास